bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum my dear students i am sharad and i am addressing you from the platform of punjab group of colleges and i am very happy because we are starting the last chapter of your first year book and that is chapter number 40 Or hum discuss transport right my dear students agar me, yahan pe khada hua. प्रोस्टम पे सिर्फ अपने हाथों को ऐसे मूव कर रहा हूं या मैं अपनी आईज को मूव कर रहा हूं या मैं यहाँ प्रेजेंट किसी और शख्स को देख रहा हूं तो आपका क्या ख्याल है कि हम इसे ट्रांसपोर्ट बोलेंगे तो आंसर इज नो ट्रांसपोर्ट का मतलब मेरे पास ये होता है कि एक पार्टिकल एज अ होल एक सेल एज अ होल या एक इंडिविजुअल एज अ होल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाए दैट पर्टिकुलर एटम पार्टिकल ऑर्गेनिज्म शुड चेंज इट्स पोजिशन विद रेफरेंस टू द इट्स सराउंडिंग्स तो उसे हम क्या बोलेंगे मूवमेंट और सॉरी से बोलेंगे ट्रांसपोर्ट तो हम इस ट्रांसपोर्ट में बेसिकली डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट देखेंगे अपनी प्लांट बॉडी में और एनिमल बॉडी में और सेल्स में कैसे इसकी को स्टडी करेंगे व्हाइट बोर्ड पर सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड आई एम बैक ऑन माई प्रीवियस स्टाइल और मैंने इसमें अगेन आप लोगों के लिए क्या लिख रखा है एक फ्लैश कार्ड कि इसमें क्या क्या बातें आप लोगों ने अपने माइंड में जरूर रखनी है आई एम टॉकट था इंट्रोडक्शन तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले ये देखने वाले हैं माई डर स्टूडेंट्स कि हम क्या पढ़ेंगे इसमें वाट वाट सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन वी आर गोइंग टू है उसका आंसर हमारे पास ये है कि जैसे मैंने आपको अभी जिक्र किया कि इस टाइम मेरी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है बिकॉज कि मैं अपनी सराउंडिंग के रेफरेंस से अपनी जगह को बदल रहा हूँ राइट right. लेकिन जैसे मैंने पहले बोला था अगर मैं सिर्फ माता को मूव कर रहा हूं या अपनी आयिस को मूव कर रहा हूं मूवमेंट तो है तो हमने ट्रांसपोर्ट करना एक चीज को दूसरी जगह लेकर जाना है दिस इज कॉल्ड एज वट ट्रांसपोर्ट राइट अब देखना ये है माय डियर स्टूडेंट्स के ट्रांसपोर्ट पर हम क्या स्टडी करेंगे आए हम बहुत बेसिक लेवल से बात को शुरू करते हैं वो बहुत ही बेसिक लेवल मेरे पास क्या है वो है एक सेल लुक एट दिस कि ये मेरे पास कोई सेल है एंड आई एम ड्रॉइंग टिपिकल सेल दैट इज रिप्रेजेंटिंग बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स अब क्या करेंगे हम लोग हम ये देखेंगे कि इसके अंदर कोई भी मॉलिक्यूल है मेरे पास क्या हो सकता है स्टूडेंट कोई भी मॉलिक्यूल या हो सकता है मेरे पास कोई आ, आयन या ये हो सकती है मेरे पास कोई गैस समथिंग लाइक ऑक्सीजन और सीओ टू और इट मे बी न्यूट्रिएंट आ आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट मॉलिक्यूल्स ये वाले मॉलिक्यूल्स इसकी सराउंडिंग से इस पर्टिकुलर सेल के अंदर कैसे गए हम ये पढ़ेंगे फिर जब ये वाले मॉलिक्यूल इस पर्टिकुलर सेल के अंदर चले गए तो फॉर एग्जांपल के हम डिस्कस कर लेते हैं ये एक यूक्योटिक सेल है और हम उस पर्टिकुलर चीज को इस सेल के न्यूक्लियस तक पहुंचाना चाहते हैं तो क्या होगा कि यह वाला मॉलिक्यूल इस पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म को क्रॉस करता हुआ न्यूक्लियस में दाखिल होगा तो हम देखेंगे कि यह वाला मॉलिक्यूल विद इन सेल कैसे मूव कर रहा है और फॉर एग्जाम्पल कि इस पर्टिकुलर चीज के इस्तेमाल होने के बाद क्या प्रोड्यूस हो गया एक वेस्ट और वो वाला जो वेस्ट सब्सटेंस है जाहिर है वो भी इस न्यूक्लियस से पहले साइटोप्लाज्म में आएगा और साइटोप्लाज्म से फिर किसी ना किसी वे से यहां से बाहर चला जाएगा तो हमने बेसिकली तीन मराहल स्टडी किए नंबर एक कि ये वाले मॉलिक्यूल्स चाहे वो गैस के थे लिक्विड के थे या सॉलिड के थे वो सेल के अंदर कैसे हुए फिर विद इन सेल सेल के अपने अंदर कैसे मूव हुए यूज होने के बाद जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ वो इस सेल में से कैसे बाहर गया तो ये हमने बेसिकली यहां पर स्टडी करना है आप जरा सोच के बताएं कि क्या मेरे पास सब यूनिसेज्म है तो आंसर नो no. हमारे पास यूनिसेलर भी हैं, तो हमारे पास मल्टाइसेर भी हैं और इसे आप लोग मल्टी भी बोल सकते हैं दोनों नाम चलते हैं इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है अब चाहे आप लोगों का ऑर्ग्निज्म यूनिसेलर हो या मल्टाइसेर हो ये वाली तीनों चीजें दोनों में ऑपरेट हो रही है मेन टू से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट टूवर्ड्स द बॉडी विद इन द बॉडी एंड इट्स वेस्ट शुड बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी तो ये तीनों का हम यहां पर भी स्टडी करने हैं तो ये हम बेसिकली यहां पर पढ़ने जा रहे हैं राइट आगे हम देखेंगे कि ये लेवल हम डिस्कस कर लिए, लेवल हम दोनों स्टडी कर सकते हैं यूनिसेर लेवल पर भी स्टडी कर सकते हैं इसको और मल्टाइसेलोर लेवल पर भी स्टडी कर सकते हैं और जब मैं बात करता हूं मल्टाइसेलोर इसका मतलब है कि अब बात सेल्स से बढ़कर ऑर्गेनिज्म तक चली गई राइट फिर हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि हमारी बॉडी में कौन कौन से प्रोसेसेस हो रहे राइट right? इसके लिए हम लोग ड्रॉ uh, करेंगे सबसे पहले एक एनिमल और वो एनिमल मेरे पास क्या हो सकता है से आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ फिश फॉर यू ठीक है अगर आप इस पर्टिकुलर फिश को देखें तो हमें लास्ट टाइम डिस्कस ये किया था कि इसके अंदर क्या होते हैं डिफरेंट uh, समझ लें बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं हेड ट्रंक टेल आइस बुलाबला बहुत कुछ हो सकता है अब ये जो मेरे पास ऑग्रेजन है इसके बारे में मैंने यही देखना है कि मॉलिक्यूल्स इसके अंदर कैसे गए राइट right, पहला स्टेप नंबर टू अगर ये मॉलिक्यूल इसके बॉडी में कहीं इस्तेमाल होने हैं तो विद इन बॉडी ये कैसे मूव हुए इट मे बी इन बो डायरेक्शन नो प्रॉब्लम एट ऑल और फिर उसके बाद जो इनसे वेस्ट प्रोड्यूस हुआ वो इसकी बॉडी में से बाहर कैसे चला गया राइट right? और अगर मैं आप लोगों के लिए यहां पे ड्रॉ कर दूं एक प्लांट तो हम प्लांट के बारे में भी यही सारी बातें कर सकते हैं राइट right? तो चाहे मेरे पास प्लांट हो या एनिमल उनके वही तीन स्टेप आपने याद रखनी है फॉर एग्जाम्पल से कि ये मेरी रूट्स हैं, राइट तो मॉलिक्यूल्स यहां तक कैसे पहुंचे फिर उसके बाद ये वाले मॉलिक्यूल्स इस प्लांट बॉडी के अंदर कैसे मूव कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल और फिर जो इसका वेस्ट है पर्टिकुलर वो इस प्लांट बॉडी में से बाहर कैसे गया तो यही मेरे पास तीन स्टेप है चाहे वो मेरे पास एनिमल हो चाहे वो मेरे पास प्लांट हो स्टेप नंबर वन कैसे ज्वाइन हुए स्टेप नंबर टू कैसे मूव हुए विद इन द ऑर्गेनिज्म और स्टेप नंबर थ्री के वेस्ट वेस्ट इस प्लांट बॉडी में से बाहर कैसे मूव हुआ तो यही तीन स्टेप एनिमल के केस में है और यही तीन स्टेप हमारे प्लांट से केस में ये अगर हम स्टडी क्यों करना चाह रहे हैं बिकॉज के अगर आप किसी और निगम को देखें चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो तो उसकी बॉडी में दो किस्म के रिएक्शन हो रहे हैं उनमें से एक को हम नाम देते हैं फिजिकल रिएक्शन उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स फिजिकल रिएक्शन मिसाल के तौर पर आपने पानी पिया और पानी आपकी बॉडी में से वेपर की फॉर्म में निकला तो जाहिर है फॉर्म चेंज हो गई वो वॉटर ही रहा लेकिन चूंकि इस वाले केस में सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हुई है तो हम इसे बोलेंगे फिजिकल रिएक्शन और दूसरे एक्शन कौन से हो सकते हैं स्टूडेंट्स वेरी राइट केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन राइट इन दोनों किस्म के रिएक्शन को अगर हम देखें तो हमें कहां, कहां नजर आ सकते हैं तो आंसर इज वेरी सिंपल नंबर वन ये इस्तेमाल होगा इन डाइजेशन नंबर टू रेस्पिरेशन राइट एंड नंबर थ्री इज ट्रांसपोर्टेशन नंबर फोर एक्सक्रीशन राइट एंड देन रिप्रोडक्शन एंड फॉर एग्जाम्पल फॉर सेंसिबिलिटी राइट तो ये सारे के सारे रिएक्शन या तो डाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे या रेस्परेशन में इन्वॉल्व होंगे एक्सक्रेशन में इन्वॉल्व होंगे रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे और या फिर सेंसिबिलिटी रेडिएशन में इन्वॉल्व होंगे यही सारे काम हम प्लांट बॉडी भी अप्लाई भी कर सकते हैं इन सारे कामों में बेसिकली या तो फिजिकल एक्शन हो रहा होगा या फिर केमिकल एक्शन होगा फॉर एग्जाम्पल अगर हम डाइजेशन की बात करेंगे तो मैंने सबसे पहले यह देखना है कि न्यूट्रिएंट्स इसकी बॉडी तक पहुंचे कैसे या फॉर एग्जांपल अगर ये प्रीडेटर है तो ये अपने शिकार को किस किस टेक्निक से ग्रैप करेगा वहां तक पहुंचेगा इसको तो कौन कौन से स्किल्स दिए हैं कि जिसकी वजह से यह अपने शिकार को शिकार कर सकता है राइट right? और अगर ये एग्जाम्पचा है तो हाउ इट कैन एस्केप द डेथ तो से कैसे भाग सकता है तो ये सारे के सारे प्रोसेस कैसे डाइजेशन से रिलेटेड है तो वो बच गया या फिर वो फूड बन गया द केस में भी अगली बात अगर ये वाली फूड इसकी बॉडी में चली गई है तो इस पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में इसके साथ क्या क्या होना है और जो एंड पे फीकल मैटर बचेगा वो इसकी बॉडी में से कैसे बाहर निकलेगा सिमिलरली अगर मैं प्लांट्स की बात कर रहा हूं तो इस पर्टिकुलर प्लांट में अगर एक नाइट्रोजन का एटम इसकी रूट ने एब्सॉर्ब किया है तो वो कैसे इसकी बॉडी में एक अमानिशन में कन्वर्ट होगा या प्रोटीन बनाएगा और फिर अगर मैं उसको डिकम्पोज करूं तो उससे जो नाइट्रोजन सेपरेट होगी होगी हाइड्रोजन कैसे फॉर्म रिलीज अगर मैं की बात कर रहा हूं तो इसकी बॉडी में सीओ टू कैसे जा रही है ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस हो रही है और वो इस प्लांट बॉडी में से कैसे बाहर जा रही है ये सारी की सारी बातें जाहिर है किस पे डिपेंड करें ऑक्सीजन क्या है केमिकल आपने चैप्टर नंबर इलेवन में बहुत डिटेल से पढ़ा था कि हमारे यहाँ फोटो में कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं आपको याद होगा कि हमने एन डी पी एच टू की बात की थी हमने रूबलोज बेसफॉस्फेट की बात की थी हमने ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट की बात की थी हमने जी थ्री पी की बात की थी राइट right, हम लोगों ने फॉस्विडल पायरुवेट की बात की थी, ये सारे के सारे सब्सटेंसेस सबस्टेंसिस कैसे बॉडी में मूव कर रहे होते हैं और इवेंचुअली जो वेस्ट है बीजे ऑक्सीजन में आसे कैसे बाहर निकल रहा है तो ये सारी की सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें बेसिकली जिस चैप्टर का सलाह लेना है दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली वॉट ट्रांसपोर्ट तो ट्रांसपोर्ट एक्सप्लेन करेगी एक्सक्रीशन कैसे हो रही है ट्रांसपोर्ट एक्सप्लेन करेगी रेस्पिरेशन कैसे हो रही है ट्रांसपोर्ट एक्सप्लेन करेगी कि जो रिप्रोडक्टिव मटेरियल्स हैं वो बॉडी में से चल के कहां कहां से कैसे पहुंचते हैं सिमिली इफ यू आर गेटिंग सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग तो आप लोग आवाज किस किस केमिकल की सुन सकते हो तो ये सारी इस पर डिपेंड करी है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज पे नंबर टू मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेज पे एंड नंबर थ्री इफ द सब्सटेंस इज इट वेस्ट

नंबर थ्री इज फॉर एग्जाम्पल लीफ और लीव एंड फाइनली आ फ्लार इट इज आ फ्लॉर प्रोड्यूसिंग प्लांट और एनर्जी राइट अब हमें देखना यह है कि इस पर्टिकुलर प्लांट बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स क्या है तो आंसर मेरे पास ये है कि अगर आप एक प्लांट बॉडी को देखें तो प्लांट बॉडी में तीन चीजें आपने गौर से सुन सुननी है नंबर एक कि इनकी एनर्जी डिमांड ही कम है राइट right? अगर कोई बंदा आपसे पूछ ले कि इन ऑर्गेनिजम्स की मीन प्लांट्स की एनर्जी डिमांड ही कम क्यों है मैं साथ डाउनलोड लगा देता हूं कम है तो क्वेश्चन इज वाई राइट तो इसका आंसर मेरे पास है स्टूडेंट्स कि अगर आप इस पर्टिकुलर प्लांट बॉडी के नंबर ऑफ डेड सेल्स को देखी राइट right? तो वो ज्यादा हैं और इनकी जो नंबर ऑफ लिविंग सेल्स हैं वो क्या है कम तो भाई जाहिर है अगर नंबर ऑफ लिविंग सेल्स कम होंगे तो एनर्जी डिमांड कम होगी फिर अगर मैं नंबर थ्री पे बात करूं तो ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर एनर्जी एफिशिएंट ऑर्गेनिजम्स इसका मतलब यह है कि दे आर समथिंग लाइक योर बाइक सी डी सेवन एक लेटर भी काफी है राइट कि अगर थोड़ी सी एनर्जी भी होगी तो दे कैन कैरी आउट न्यूबरस वर्क फ्रॉम इट राइट तो ये एनर्जी एफिशिएंट ऑर्गेनिज्म है इसीलिए ये एनर्जी को वेस्ट भी नहीं करते और एनर्जी की यूटिलाइजेशन भी हमेशा ऑप्टिमम वे में कर रहे होते तो इसलिए हम इसे बोलते हैं कि दीज आर एनर्जी एफिशिएंट ऑर्गेनिज्म अब हम देखेंगे के इन ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से पार्ट है डिस्कस कर लिया हमारे रूट तो हम सबसे पहले रूट के रोल्स की बात करते हैं लुक एट दिस ये मेरे पास एक रूट है राइट right? इस रूट के प्लांट बॉडी में क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं लिखते हैं नंबर वन सबसे पहला फंक्शन ये है कि ये प्लांट को एंकर करने के काम आता है अगर मैं एंकर की आप लोगों से उर्दू कहूं तो आप बताएंगे सर गाड़ना, गाड़ना, जमीन में फिक्स कर देना और टू फिक्स द प्लांट प्लस दूसरा काम मेरे पास क्या है के टू एब्जॉर्ब टू एब्जॉर्ब वॉट दो चीजें नंबर वन वॉटर एंड नंबर टू इज मिनरल्स चलें एक चीज और ऐड कर लें एंड ये चीजें करना भी इसी का काम है और नंबर थ्री मेरे पास ये है के टू ऑफर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऑफर करना किसके लिए अगेंस्ट जॉल्ट्स जॉल्ट्स होता है जो जख्त या पौधे झूमते हैं तेज हवा में चलते हैं लेकिन गिरते नहीं है तो वो किस वजह से है ड्यू टू रूट्स टू ऑफर रेजिस्टेंस अगेंस्ट जॉर्ड्स इन इन हाई स्पीड वेंट्स जो बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो तब भी पौधे नहीं गिरते तो उसकी बहुत बड़ी वजह जो है जाहिर रूट्स ही हैं राइट right. तो ये तीन काम हमारी रूट्स कर रही है माई डियर स्टूडेंट्स अब इन तीन कामों में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है जो शबाना रोज प्लांट बॉडी में चलता रहता है वो क्या है वॉटर की एब्जॉर्बशन बिकॉज कि जो वाटर है ये क्या कर रहा है आपको भी मैंने बोला था कि नंबर वन वाटर इज अ रॉ मेटीरियल ऑफ हमने क्वेश्चन लिखी थी बार बार सिक्स सीओ टू प्लस ट्वेल्व वॉटर मॉलिक्यूल राइट हमने चैप्टर इलेवन में डिस्कस किया था डिटेल में कि जब सीओ टू और वाटर आपस में देखें तो का प्रोसेस होगा तो इसलिए वाटर इज अ रॉ अटीरियल ऑफ वॉट फोटोसेंथसिस तो अगर मैंने फोटोसेंथसिस करनी है तो मुझे वाटर को सप्लाई करना होगा राइट नंबर टू दूसरी बात मेरे पास यह है कि आपको पता है कि प्लांट्स की मेरे पास तीन किस्में होती हैं लिखते हैं यहां पे कि प्लांट्स की मेरे पास तीन किस्में होती है एक को हम नाम देते हैं क्या हर्ब हर्ब एक ऐसा प्लांट है कि जिसमें कहीं वुड नहीं होती अगर इस पर्टिकुलर प्लांट बॉडी को आप देखें तो इनकी जड़े भी नरम हैं इनके स्टेम्स भी नरम हैं इनके जो ब्रांचेस हैं वो भी नरम है और पत्ते भी नरम हैं इस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलते हैं हर्ब अब इनके प्लांट्स जमीन से बुलंद सिर्फ इस सूर्त में रह सकते हैं दे कैन रिमेन इरेक्ट ओनली ऑनलीफुल काफी ज्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है तो फिर ये ये क्या कहेंगे जमीन पे खड़े रहेंगे लेकिन अगर इनको वाटर की अवेलेबिलिटी खत्म हो जाए तो दे शो साइंस ऑफ वेल्टन वो मुरझाने का साइन शो करते हैं और फिर अल्टीमेटली गिर जाते हैं तो इसलिए किसी प्लांट किसी हर्बिशियस सिस्टम की जमीन पे खाने की डिपेंडेंस किस चीज के ऊपर है वाटर पे डिपेंडेंस इसलिए वाटर इज इस सो तो इंपॉर्टेंट लेकिन नंबर टू पे जो प्लांट आते हैं उसे हम बोलते हैं श्रब्स अब जो श्रब्स हैं ये इनकी बेस वुडी है लेकिन जो लीव्स है दे आर हर्बिशियस इसका मतलब ये होगा कि अगर इन प्लांट्स को पानी नहीं मिलेगा तो कचे ये गिरेंगे नहीं लेकिन विल्टिंग साइन हमें उनके लीव से पता चलेगा राइट और थर्ड मेरे पास क्या होते हैं ट्रीज और आपको पता है ट्रीज में हमें कभी नहीं प्रोड्यूस होता बिकॉज के जो वुड है वो उनकी मेडरेप और उनके पेटिओल्स तक प्रेजेंट होती है राइट तो ये तीन किस्म के मेरे पास प्लांट्स हैं जिनकी लाइफ डेफिनेटली डिपेंड करे किस पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे अब हम चलेगी इससे मजीद आगे दूसरी बात मेरे पास ये है हा कि नंबर टू इज कि इसेंशियल फॉर essential for the erection of herbaceous stems. उसके लिए भी जरूरी और फिर आपको पता है कि water is the best solvent. जितनी भी चीजें plant body में move करनी है उसके लिए मुझे किसी solvent की जरूरत है and none other than water can be the substitute, right? So water ही सबसे best solvent होता है इसलिए भी मुझे जहां जरूरत है तो इन सारी बातों में हमने ख्याल अंडरस्टैंड किया कि सबसे अहम क्या है वाटर तो हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर चीज के लिए रूट्स ने क्या क्या अडेप्टेशन की हैं तो हम यहां पर लिखेंगे प्रॉपर वर्ड अडेप्टन ऑफ द रूट एडेप्टंस ऑफ रूट अब रूट की जो अडेप्टन है हमारे स्टूडेंट्स वो ये हैं कि दे आर बेसिकली डिजाइंड टू इंक्रीज सरफेस एरिया उन्होंने सरफेस एरिया को इंक्रीज करना है अब सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए दो काम किए गए राइट right. पहला काम यह था कि उन्होंने दो डिफरेंट वे में अपने रूट सिस्टम को इवॉल्व किया उनमें से एक का नाम होता है टैप रूट सिस्टम अब टैप रूट सिस्टम से बाद मेरे पास क्या होता है स्टूडेंट्स? कि यहां एक प्राइमरी रूट होती है लुक एट दिस ये मेरे पास एक प्राइमरी रूट थी उस प्राइमरी रूट से जो जड़े निकली आगे फॉर एग्जाम्पल ये वाली ये कहलाएंगी सेकेंडरी रूट्स ये सेकेंडरी रूट्स कहला रही अब इन रूट से आगे जो जड़े निकल रही हैं ये वाली ये कहलाती हैं टर्शी रूट्स तो इस किस्म की रूट को हम बोलते हैं टैप रूट जिसमें प्लांट बॉडी की बेसिकली एक रूट होती है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी रूट उससे बनने वाली सेकेंडरी और उससे बनने वाली टर्शी रूट्स होती हैं लेबल कर देते हैं आप लोगों के लिए नो प्रॉब्लम दिस इज प्राइमरी रूट राइट एंड दीज आर सेकेंडरी रूट्स एंड दीज आर टर्शरी रूट्स तो ये तीन किस्म की मेरे पास रूट्स हो गए दूसरी किस्म की रूट्स कहलाती हैं फाइब्रस रूट्स फाइब्रस रूट्स अब इस साल इस सिस्टम में फाइब्रस रूट सिस्टम में प्लांट के अंदर से एक ही वक्त में बहुत सारी जड़ें निकल पड़ती हैं समथिंग लाइक एट कि अगर ये मेरे पास सीड था इस सीड को मैं जमीन में सो किया हुआ था तो एक ही वक्त में यहां से बहुत सारी जो थी वो ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई इस किस्म की ब्रांचिंग की कोई खास डिवीजन पैटर्न नहीं होता तो इसे हम बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम लेकिन बिलीव यू यूमी के दोनों केसेस में जो चीफ ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम लोग सरफेस एरिया को बढ़ा दें अगर सरफेस एरिया ज्यादा नहीं होगा तो जाहिर है वाटर और मिनल्स की एबजॉपेशन बहुत कम हो जाएगी और एंकरेज भी कम हो जाएगी तो फिर नेचर ने क्या डिजाइन किया या टैप रूट सिस्टम और या फिर फाइब्रस रूट सिस्टम लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव रूट सिस्टम डेवलप करने के बावजूद भी सिर्फ 23 परसेंट जो वाटर था वो एब्जॉर्ब हो पा रहा था पौधे की जो डिमांड थी उसका सिर्फ ट्वेंटी थ्री परसेंट तो सवाल ये था कि फर्दर सरफेस एरिया को कैसे इंक्रीज किया जाए तो ने क्या दिया एक और यूनिक प्रॉपर्टी दी वो ये कि अपनी इन जड़ों के साथ साथ लंबे लंबे क्या लगा दो रूट हेयर्स लगा दो राइट right? तो जो रूट हेयर्स हैं वो इवन फर्दर इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया को अप टू सिक्स परसेंट तो हम कह सकते हैं कि हमारी प्लांट बॉडी में एब्सॉर्ब होने वाले वाटर और मिनरल्स की 67, 67 रूट और व्हाट इज द ऑफ सरफेस एरिया राइट अब देखें कि आप लोगों जस्ट इमेजिन मैं आप लोग जस्ट एक वर्ड लिख रहा हूँ जस्ट इमेजिन कि हमारे पास दो प्लांट्स हैं ठीक है उनका नाम आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है उनमें से एक प्लांट का नाम है राई आर वाई -E, राई ये एक राई प्लांट है ठीक है इस राई प्लांट की जो हाइट है जमीन से ऊपर जमीन से ऊपर जो हाइट है इट इज जस्ट वन मीटर जस्ट वन मीटर एक मीटर ऊंचा पौधा है ये डियर स्टूडेंट अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जमीन में जो जड़े प्रोड्यूस करता है ये बड़ी वेल्यूबल इंफॉर्मेशन है ये सिर्फ एक मीटर टाल जो प्लांट है ये जड़े प्रोड्यूस करता है उसकी फोर्टीन मिलियन ब्रांचेस है इमेजिन कितनी ज्यादा ब्रांचेस है इसकी लेकिन शायद ये इंफॉर्मेशन आपको इतना नहीं चौंकाएगा जितनी बात आप कहने वाले हैं कि ये फोर्टीन मिलियन ब्रांचेस जो सरफेस एरिया ऑफर कर रही हैं इट इज सिक्स हंड्रेड किलोमीटर आप इमेजिन करें कि एक मीटर प्लांट बॉडी को वाटर मिनरल सप्लाई करने के लिए 600 किलोमीटर सरफेस एरिया तो प्रोवाइड किया है तब जाके इसकी वाटर और मिनरल्स के डिमांड्स को पूरा किया जाता है ऑन अदर हैंड मेरे पास एक और प्लांट है स्टूडेंट्स उसका नाम क्या है प्रोसोपिस एक प्लांट है उसका नाम क्या है प्रोसोपिस और इसका ताल्लुक फैमिली लेग्यूमिनोजी से होता है मटर फैमिली से ताल्लुक है इसका ये जो हमारा मटर पी प्लांट, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी जो रूट्स है वो गहराई से जाके पानी को निकाल लेती सवाल ये है कि कितनी गहराई से तो आंसर है सुरक्ष का कि दे कैन गो अप टू 150 फीट आप इमेजिन करें कि कई देहातों में कई देहातों में तो इतना गहरा पाकुआ नहीं होता उससे भी कहीं ज्यादा गहराई पे जाके जमीन की अट्ठा गहराइयों से पानी फंस करके ला सकती है राइट वाइडियर स्टूडेंट्स सो दीज आर द फ्यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन दैट इज रिगार्डिंग रूट्स और अब इस पर्टिकुलर रूट्स की फर्दर जै एप्लीकेशन है और वो कैसे कैसे प्लांट के लिए वाटर मिनरल्स एब्सॉर्ब करती हैं उनकी मूवमेंट सॉइल uh, में कैसे होती है ये सारी बात हम डिस्कस करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एंड टिल दैट यू लेसन Take very good care of yourself and your great parents. Allah Hafiz.